पार्ट बी ऑफ द लेक्चर 8 इन द इन्वायरमेंटल सीरीज ऑफ 30 डेज ईपीएफ क्रैश कोर्स। लास्ट टाइम हम लोग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, इसमें कुछ छूटे हुए टॉपिक्स और प्रोग्राम्स इन इंडिया ऑफ टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज हम इसमें देखेंगे। सो लेट अस प्रोसीड। देखिए, कानकन समिट में ग्रीन क्लाइमेट फंड का फॉर्मेशन हुआ था, आप इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डर्बन समिट 2011। इसमें आप दो पॉइंट याद रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। फर्स्ट इज इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अप्रूव गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर GCF। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट पार्टीज अग्री की डेवलप करने के लिए, दैट वाज आउटकम विथ लीगल फोर्स एंड दिस वाज ड्यू टू बी अडॉप्टेड इन द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज पेरिस अग्रीमेंट। देखिए, अदर मैकेनिज्म्स ऑफ यूएनएफसीसी आपको जो ध्यान रखना है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड दिस वॉज फॉर taking projects related to adaptation, technology transfer, capacity building, अब बाकी PDF में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ रेड एंड रेड प्लस। रेड का मतलब है रिड्यूसिंग emissions from deforestation in developing nations. You need to remember that India did not participate in red, UN red, United Nations red. Now what is red plus? See, red plus was defined in Bali Action Plan. मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। रेड प्लस का मतलब है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, और इसमें कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्सेप्ट आया था। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। इंडिया फेवर्स रेड प्लस, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बर्न फैसिलिटी एंड ग्रीन ग्लोबल क्लाइमेट फंड। देखिए, एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है फॉलोइंग कन्वेंशंस का। कन्वेंशंस आप याद रखेंगे CBDs, UNCCC, UNCCD, POP एंड मीना माता कन्वेंशन। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल क्लाइमेट फंड। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट फंड है ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC एस्टैब्लिश हुआ था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। इट वाज फॉर्मड इन कानकुन कॉन्फ्रेंस इन 2010। वर्ल्ड बैंक जो है ये टेम्पररी ट्रस्टी ऑफ द फंड है, इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है एंड द आइडिया इज टू प्रिपेयर $100 बिलियन मनी अ ईयर फ्रॉम बाई 2022 एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है IPCC। देखिए, IPCC जो है इट वॉज सेटअप इन 1988 बाई WMO एंड UNEP एंड असेसमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाई IPCC। नेक्स्ट इज पेरिस अग्रीमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेरिस अग्रीमेंट जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट नहीं है, ये सेपरेट अग्रीमेंट है अपने आप में। And first point that you need to deal is, it deals with greenhouse gases, emission mitigation, adaptation and finance starting in the year 2020. देखिए, इसमें जो बात करते हैं नेशनली डिटरमाइंड contributions की बात करते हैं। Targets is non-binding, मतलब जो Paris Agreement it is not legally binding. And most important point, यहाँ पे बात की जाती है global average temperature को to keep it well below 2 degree Celsius above pre-industrial level. और कोशिश कर, यहाँ पे कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया कि कोशिश करेंगे टू कीप इट कीप द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंडिया का जो प्रपोज टारगेट है डेट इज़ टू रिड्यूस इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सी, इनिशियली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इट वॉज लॉन्च्ड बाई पीएम मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट क्रॉइस हॉलैंडे इन पेरिस क्लाइमेट समिट। इनिशियली देखिए, एट 1-to-1 कंट्रीज दैट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स हैड बीन इन्वाइटेड टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ इट इज़ फॉर ऑल इंक्लूसिव, मीन्स ईच एंड एवरी कंट्री कैन जॉइन इट। द हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम, नॉट दिल्ली। यू रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल। द टारगेट इज़ टू जनरेट 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम। यू नीड टू रिमेंबर दैट IPCC इस्टैब्लिशेज द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम।
नेक्स्ट पॉइंट इज अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन. देखिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ लो लाइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड नेशन. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1990. इंडिया इज नॉट अ मेंबर. यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू रिमेंबर द पर्पज. पर्पज इज टू कंसिडर द वॉइस ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग होगा और जो ओशंस लेवल बढ़ेंगे तो स्मॉल आइलैंड कोस्टल स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, दैट विल बी इन डेंजर. सो दैट इज़ वाई दे हैव कॉल्ड दिस प्रोग्राम्स. नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स प्रोग्राम एफर्ट दैट इज टेकन बाई इंडिया टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट इज इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज. इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट. यू नीड टू रिमेंबर दैट द गवर्नमेंट लॉन्च्ड इट इन 2009 and it is an initiative of Ministry of Environment and Forest. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एग्जाम भी पॉइंट्स हम इसको देख रहे हैं, आप इसमें इतना याद रखें काफ़ी है ये. नेक्स्ट इज नैटकॉम. नैटकॉम देखिए आपको याद रखना है कि इट इज़ फंडेड बाई ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड इट वॉज लॉन्च अंडर UNFCCC. दैट वॉज इनिशिएटेड इन 2002. मिनिस्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नैटकॉम इज MOEF, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज इंडियाज पॉलिसी स्ट्रक्चर रेलेवेंट टू ग्रीन हाउस गैसेज मिटिगेशन. सी इट इज यू नीड टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट इज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी एंड इट वॉज अडॉप्टेड इन 2006. नेक्स्ट इज ग्रीन बिल्डिंग. सी ग्रीन बिल्डिंग का आपको एम याद रखना है कि इट एम्स टू मिनिमाइज डिमांड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन एफिशियंसी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. ये यूटिलाइज करता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को. नेक्स्ट इज गृह. यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज डिवाइज्ड बाई द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सी गृह इज अ रेटिंग टूल. सी गृह इज अ रेटिंग टूल दैट हेल्प्स पीपल टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिल्डिंग. नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. इसमें आपको याद रखना है कि ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज लॉन्च्ड द NICRA दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज BSc ग्रीनएक्स. सी आपको इसका बेस डेट याद रखना है कि ये अक्टूबर 1, 2008 जो है दैट इज़ द बेस वैल्यू, बेस इंडेक्स वैल्यू ऑफ BSc ग्रीन इंडेक्स. पढ़ लेंगे BSc ग्रीन इंडेक्स में कि क्या है ये. नेक्स्ट इज फेम इंडिया प्रोग्राम. सी फेम इंडिया प्रोग्राम यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन. फेज टू ऑफ फेम इंडिया स्कीम इज टू पुश टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसमें आप याद रखेंगे कि इट इज़ एम्स एट ये सारे व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है. लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. सी इन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम. सी इट एम्स टू अंडरस्टैंड बायोफिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स ऑफ इकोसिस्टम चेंज इन सेलेक्टेड बायोम्स एंड देयर इफेक्ट. की नेक्स्ट है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट. देखिए नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट वॉज ऑपरेशनलाइज इन 2015-16. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स इट इज़ टोटली फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर दैट NABARD इज द इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी ऑफ दिस प्रोग्राम दैट इज नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. सी द ओवरऑल एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू सपोर्ट कंक्रीट अडेप्टेशन एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड अंडर ऑनगोइंग state and national government schemes. This is the very important point that you need to keep in mind. Next is national bioenergy mission. See, national bioenergy mission is to boost power generation from biomass renewable energy. See, India and climate change mein humne national action plan on climate change aur uske 8 submissions pehle lecture mein hi complete kar liya tha. That's all from the environmental series. Next we'll be starting with geography. देखिए स्टार्टिंग में हमने बात की थी एक कोटेशन की कि कामयाबी जो है आपकी किस्मत बन जाए. देखिए UPSC के एग्ज़ाम में आपको बहुत लोग ताने मारेंगे, बहुत लोग कुछ कहेंगे कि किस्मत होनी चाहिए, कई लोगों की किस्मत नहीं होती है. मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि मेहनत से किस्मत भी बदली जा सकती है. किस्मत तो संत तुलसीदास की भी नहीं थी, उनके हाथ में तो लकीर भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी बने. तो किस्मत की बातों को छोड़कर मेहनत की बातों पर भरोसा करें और मेहनत के दम पे अपनी कामयाबी को किस्मत बनाएं. दिस इज़ हिमांशु CAPF 2019. मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए सब्जेक्ट के साथ. टेक केयर.